जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि संदीप भैया जो TVF की सीरीज है उसका फाइनल एपिसोड आ चुका है। इसी के साथ जो सीरीज है 5 एपिसोड के साथ खत्म होती है। हमें पता है कि ये एस्पिरेंट का स्पिन ऑफ था और इसने अपना एक खुद का अलग से वजूद बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एंटायर सीरीज है वो मुझे कैसी लगी है, उसमें एंटायर सीरीज में क्या स्टोरी कवर की जाती है, इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं क्या नेगेटिव चीज़ें, और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। आपको याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले मैं इसके जो सिंगल सिंगल एपिसोड्स है उसका ट्रेलर था उनका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन अभी जैसे फाइनल एपिसोड आ चुका है तो मैं इस कंप्लीट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके कास्ट में कौन है। संदीप भैया का जो रोल है वो पहले एक तरह से यानी हिंदुजा प्ले कर रहे हैं, उसमें एक और महत्वपूर्ण रोल है जिसे दीपाली गौतम प्ले कर रही है, जिस कैरेक्टर का नाम है आयुष वाल्मीकि। जो तीसरा रोल है जो संदीप भैया के दोस्त का होता है उसको प्ले कर रहे हैं पुनीत तिवारी, जो प्रिंस मिश्रा का रोल प्ले करते हैं। और एक चौथा महत्वपूर्ण रोल होता है संदीप भैया के पिता का, राजेंद्र गुप्ता प्ले कर रहे हैं। इस कास्ट के साथ जो मैं स्टोरी की तरफ जाना चाहूंगा, जो स्टोरी है वहां से शुरू होती है जहां से जो संदीप भैया है अपना चौथा अटेम्प्ट था IAS का वो फेल कर चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर भागने के लिए वो आए हैं अपने दोस्त के पास। अपने दोस्त के पास आने के बाद वहाँ पे वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है, थोड़ा थोड़ा वो जो बच्चे हैं जो दूसरे तैयारी करते हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं, उनकी कॉपी जो है वो चेक करते हैं। वहाँ पर उनका जो सामना है एक लड़की से होता है आयुषी, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, लेकिन उसको कोई गाइडेंस नहीं है। संदीप भैया उसकी कॉपी चेक करते हैं और कॉपी चेक करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ये लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है आगे, और इवेंचुअली वो लड़की IAS बन भी जाती है। वहीं संदीप भैया जब उसको गाइड कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं खुद भी इसी के साथ मोटिवेट हो रहे हैं और खुद के लिए भी वापस कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 अटेम्प्ट बढ़ा दिए, तो वो फिर से तैयारी करते हैं, और फिर से तैयारी करने के बाद आगे क्या होता है, उसमें उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह का फेज उनकी लाइफ में होता है, इस तरह से ये सारा का सारा जो शो है वो बुना गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें वो क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी है इसका कॉन्सेप्ट, स्टोरी और डायरेक्शन। सिनेमेटोग्राफी देख सकते हैं कि किस तरह से जो कंप्लीट एरिया है उसको किस तरह से कवर किया गया है, वहाँ के जो घाट है उनको किस तरह से बताया गया, वहाँ के लोगों को, डायलैक्ट्स को, उन सब चीज़ों को किस तरह से कवर किया गया है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लैंग्वेज की उन्होंने प्योरिटी रखी है वो बहुत अच्छी है। ये कहानी बताती है एक ऐसे इंसान के बारे में जो किस तरह से अपनी लाइफ में संघर्ष करता है, उस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, उसके बाद भी वो बंदा कैसे लड़ रहा है, कैसे अपनी फैमिली को ऐसे मना के रखता है कि कुछ नहीं है सब कुछ हो जाएगा, खुद कितना भी डिप्रेशन में लेकिन कहीं भी अपने ये वाइब नहीं आने देता कि वो किस फेज से निकल रहा है। तो इस तरीके का उन्होंने जो बताया और एक जो सक्सेस की स्टोरी उन्होंने बताई है कि फेलियर से कैसे बंदा सक्सेस की तरफ जाता है, उसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। ये जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मुझे लगी परफॉर्मेंसेस ऑफ द कास्ट। सबसे पहले सनी हिंदुजा जिन्होंने संदीप भैया का रोल प्ले करा है, जिस तरह से उन्होंने जो डायलेक्ट है हरियाणवी का वो पकड़ा है वो बहुत बेहतरीन है। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग अपने इमोशंस दिखाए, चाहे वो इमोशनल सीन हो जहाँ पे वो रो रहे हैं, परेशान है, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको किस तरह से उन्होंने प्ले करा है, जब मोटिवेशन फील कर रहे तब वो उन्होंने किस तरह से एक्ट करा है, जब वो किसी और को मोटिवेट कर रहे हैं तब किस तरह से उन्होंने ये एक्ट करा, ये बहुत बेहतरीन लगता है। आप कह सकते हैं कि संदीप भैया का रोल प्ले करने के लिए सनी हिंदुजा से बेहतर और कोई चॉइस नहीं हो सकती थी। तो सनी हिंदुजा का इस काम है वो एक्सेप्शनली गुड है। मुझे लगता है कि सनी हिंदुजा बहुत ही अंडररेटेड स्टार है और उन्हें और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। जो दूसरे जो उसमें एक्टर्स जैसे आयुषी वाल्मीकि रोल दीपिका गौतम कर रही थी, वो उनका रोल भी ठीक है, उन्होंने अच्छा काम करा है। जो प्रिंस मिश्रा ने जो पुनीत का रोल करा है वो भी बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी बॉन्ड दिखाते हैं दोनों दोस्तों के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें अगले रिश्तों के जो बॉन्ड है उनकी जो गहराई है, उनका जो टचनेस है, जो इमोशन से जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस डेप्थ से दिखाया गया है वो बहुत बेहतरीन लगा है। चाहे आप संदीप भैया उसके पापा के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, हर एपिसोड में एक कॉन्वर्सेशन है और उसको सुन के आपको लगेगा कि जो एक पिता का एक अपने बच्चे की ज़िंदगी में जो रोल होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कि वो पिता कितना भी प्रॉब्लम में है, कितना भी समस्याओं से निकल रहा है लेकिन फिर भी अपने बच्चे पे कोई आँच नहीं आने देता है, खुद कितनी भी प्रॉब्लम निकल रहा है लेकिन अपने बच्चे को बोलता है कि भाई तुझे जो करना है तू कर, तू बस कर जो तुझे अच्छा लगता है, लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये रिलेशन जो दिखाया गया बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा संदीप भैया
जो आयुषी वाल्मीकि के मेंटोर का रोल करते हुए, ऐसे मेंटोर वो कैसे रहते हैं, कैसे उसको सब चीज़ सिखाते हैं, कैसे उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे जब वो निराश होती है तो उसको मोटिवेट करते हैं, ये रिलेशन जो दिखाया है एक मेंटोर और मेंटी का बहुत प्यारा है। इसके अलावा जो दोस्तों का रिलेशन दिखाया है संदीप भैया उनके रूममेट का बहुत ही प्यारा है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो दोस्त, कितना भी होता है झगड़ा होता है, कितना भी प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त का साथ देता है, उसे बात करता है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें मुझे बहुत बहुत बेहतरीन लगी इसमें। अब जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है वो एक ही चीज़ है, वो है जो रिपीटेटिव BGM और रिपीटेटिव सॉन्ग्स जो TVF यूज़ कर रहा है वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सेम म्यूजिक सेम सॉन्ग्स उनकी बहुत सारी सीरीज में देख चुके हैं, इनफैक्ट एस्पिरेंट में भी सेम इन्होंने BGM यूज़ करा था और सेम ही म्यूजिक यूज़ करा था। ये मुझे थोड़ा सा खटका है क्योंकि क्या है कि आप बहुत बार बार इस चीज़ को सुनते रहेंगे तो आप सेचुरेशन हो जाते हैं। SK सर की क्लास एक सीरीज आई थी इनकी TVF, जो कि एस्पिरेंट का ही एक स्पिन ऑफ थी 3 एपिसोड की, वो भी अच्छी सीरीज थी लेकिन उसमें भी सेम के सेम BGM था, तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी। अदरवाइज ओवरऑल मैं कंक्लूजन में बताना चाहूँगा कि सीरीज़ बहुत बहुत बेहतरीन मिली है। ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इसको आप IMDb पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे इसकी रेटिंग 9.5 है 10,000+ रिव्यूज़ के साथ। तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, आप एक कनेक्ट फील करेंगे, आप एक मोटिवेशन फील करेंगे और आप भी सनी हिंदुजा संदीप भैया के फ़ैन हो जाएंगे। तो यही था मेरा आज का रिव्यू, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा है। आपको अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो मुझे शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एंड इंटेलिजेंट एनालिसिस। थैंक यू सो मच।